It's not my place to speak about rape. As a man, I don't have the right to do anything but apologize to all of you as women. So first of all, as an Indian man, I ask your forgiveness for what is this? Seems to be this epidemic of madness that has attacked this country. A lot of men pontificate about rape. There's no way we can ever understand it. There's no way we can ever fathom it. I was speaking with a friend of mine last night. 9 out of 10 women that I know, 9 out of 10 have been molested, have been attacked in some form or the other, have been oppressed by this constant sort of layer of madness that we live in. Today we're seeing it, it's coming to light more and more. And we should all, I think, in a sense, be thankful for that to start with. Secondly, we cannot, as citizens, afford to be non-committal. मुझसे कहा गया था आप हिंदी में बोलिए तो मैं आप थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा, मुझे माफ कीजिएगा जो हिंदी नहीं समझते, ये बैंड रहा है कुछ भी हो सकता है. इस देश में एक वक्त आया है जहां पे सबको खड़े रहकर कहना है कि मैं इस देश का नागरिक हूं. ओके, कुछ लोग आप सबके सामने, आप सबके सामने इन रेपिस्ट को बचाने की कोशिश में थे कि नहीं? इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू? आई एम गोना आस्क यू वेरी स्ट्रेट अप, क्या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तानी. तो आप मुझे बताइए कि ये जो बच्ची है वो हिंदुस्तानी बच्ची थी कि नहीं? और ये हर बच्ची के साथ, कोई मुझे कह रहा है ट्विटर पे, आप देख लीजिए कि हिंदू लड़की के साथ ऐसा हुआ या मुसलमान लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो आप उस वक्त क्यों नहीं, मतलब हम सब साथ में खड़े हैं और हर लड़की के साथ में खड़े हैं. इज दैट राइट और एम आई रॉन्ग? डोंट लेट देम डिवाइड अस. ये लोग आपसे कहेंगे कि हिंदू है हिंदू खतरे में है या मुसलमान है मुसलमान खतरे, इंडियन खतरे में है, बस इंडिया की औरतें खतरे में है. वी डिसाइड कि जो लोग इन बलात्कारियों को की रक्षा करते हैं उनको लात मार मार के खींच खींच के बाहर फेंकेंगे, उसके लिए देश बदलेगा.